नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11, 12 और 13 सितंबर की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी आज में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 11 सितंबर की बात करें तो शनिवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और स्वाति नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो इंद्र नाम के योग के उपरांत ही इस दिन वैद्युति नामक योग रहेगा। राहु कल का समय दिन सुबह के 9:19 से लेकर सुबह के 10:51 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। उसके उपरांत दोस्तों, इन दिन चंद्रमा जो है तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि में संचार कर जाएंगे। मैं दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो रविवार का दिन होगा, षष्ठी तिथि विशाखा नक्षत्र के साथ ही वैद्युति नामक योग और बीज कुंभ नाम का शुभ योग रहेगा। दोस्तों, इन दिन राहु कल का समय शाम के 4:58 से लेकर शाम के 6:29 रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा इन दिन वृश्चिक राशि में ही संचार करेंगे पूरे दिन भर। और दोस्तों, आखिरी दिन 13 सितंबर की बात करें तो दोस्तों, इन दिन सोमवार का दिन होगा, भगवान भोलेनाथ का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और अनुराधा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इन दिन योग की बात करें तो बीज कुंभ नाम के योग उपरांत ही प्रीति नामक शुभ योग रहेगा। दोस्तों, यह सोमवार के दिन ये योग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। राहु कल का समय सुबह के 7:47 से लेकर सुबह के 9:19 रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि में ही संचार करेंगे। तो आए दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का ये जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय मंगल का गोचर हो रहा है जो करियर तथा व्यवसाय की दृष्टि से काफी अच्छा और उन्नतिदायक होने के साथ साथ यह सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आत्मविश्वास से किए गए कार्यों में यह समय आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। धन अचल संपत्ति का अच्छा योग है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपके सगे संबंधियों से आपके जो संबंध है वह बेहतर होगा। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव यानी सावधानी को लेकर बात करें तो ये जो दिन होगा आपके लिए मिला जुला रहेगा। कई बातों को लेकर जो है आप यह समय चिंतित हो सकते हैं, जिससे शारीरिक तथा मानसिक रूप से आप जो है अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है। वाणी पर यश में आप जो है संयम बना रखें, इससे जो है परिवार में सुख शांति आप बना पाएंगे। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, कुछ नई परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको अपने स्वभाव और गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ विपरीत स्थितियाँ जो है आपको यह समय बेचैन कर सकती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ आप यश में अवश्य सुने। ये जो समय होंगे आपके लिए अपनी भावुकता पर आपको नियंत्रण रखना होगा। यदि कोई परेशानी चल रही है तो दोस्तों, वे जल्द ही हल हो जाएंगी। असमंजस की स्थितियाँ यह समय जो है हो सकती है। दोस्तों, बिना किसी गहन सोच विचार की कोई भी आप यह समय जो है निर्णय न लें, किसी एक्सपर्ट या फिर काउंसलर से आप यह समय सलाह ले लें, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष पर आप पहुँचें। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो समय होंगे आपके करियर के मामले में काम में मन नहीं लगेगा। करियर के चुनाव के लिए किसी का सलाह अवश्य लें। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये जो समय होंगे ग्रहों की स्थिति के कारण नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे। कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार आपको मिल सकता है। कार्यों में सफलता से आपकी आर्थिक स्थिति जो है यश में मजबूत होंगी। दोस्तों, यश में दिया हुआ धन जो है आपको वापस मिल सकता है। लेन देन से आप यश में बचें। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में किसी भी तरह की कोई गुप्त चर्चा करने की आप कोशिश ना करें। आप अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका के साथ कई इन दिनों में घूमने का विचार बना रहे हैं तो दोस्तों, जीवन साथी के सहयोग से आप बाहर की यात्रा करने में जो है सफल हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, इन दिनों में परिजनों के साथ किसी बात पर
जो है तनाव उत्पन्न हो सकता है। इन बातों का आप ध्यान रखें और तनाव उत्पन्न की जब स्थिति बन रही हो तो आप अपने वाणी पर जो है संयम रखें। दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो अगर हेल्थ से कोई भी समस्या यश में दिख रही है तो दोस्तों तत्काल किसी विशेषज्ञ की आप सलाह लें। दोस्तों ये जो समय होगा आपके लिए अत्यधिक तला भुना अथवा वसायुक्त भोजन आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा केसरी और भाग्यशाली अंक रहेगा 8। दोस्तों यह समय गणेश जी कहते हैं कि आप अपने मित्रों और परिवार के प्रति अधिक निष्ठावान होंगे, हमेशा की तरह लोगों के प्रति सहायक होने में विश्वास करते हैं, परंतु आप यदि अच्छी परिस्थिति में होंगे तो आपको किसी का मार्गदर्शन करना पसंद आएगा। आपके पास किसी व्यक्ति द्वारा रखी गई अपेक्षाओं को किसी भी रूप में आप जो है यश में पूरी कर सकेंगे और इसके द्वारा आप उसके पास से ढेर सारी शुभकामनाएं के अधिकारी बनेंगे। दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए यह अवसर खोने जैसा नहीं होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय गणेश जी के अनुसार आपके लिए तनावपूर्ण लेकिन फिर भी प्रोत्साहनजनक दिन होगा। सुबह के समय प्रेशर कम होगा लेकिन दोस्तों लंच के बाद जो अचानक से ये प्रेशर है वह बढ़ सकता है। आप जो है जितना संभव हो सके अपने काम को ख़त्म करना चाहेंगे। आपकी जो लॉजिकल और एनालिटिकल क्षमता अपने बेहतर स्तर पर होगी और आपको काफ़ी मदद करेगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये जो समय होगा आपके पारिवारिक जीवन के लिए आप अपने प्यार के साथ प्यार भरी बात अपने संबंध को मजबूत बनाने के लिए करेंगे। आपको अपने पीर से बदले में अच्छे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो दोस्तों ये जो समय होंगे आप अपने रिश्तों में एक कदम आगे बढ़ाने का समय होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे पैसे के मामलों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला समय होगा। गणेश जी के अनुसार ये जो समय होंगे आपके लिए कई कैलकुलेशन एक्सेल फाइलों के अलावा वो सब काम करेंगे जो पैसे से जुड़े हैं, लेकिन आप उचित समाधान यह समय जो है नहीं ढूंढ पाएंगे। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे गणेश जी कहते हैं कि आप बहुत ही स्थिर होंगे और अपने लंबित काम को ख़त्म करने की जो है कोशिश करेंगे। आपका स्वास्थ्य जो है इसमें ठीक रहेगा लेकिन आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर होंगे, इसलिए गणेश जी का सलाह है कि हमेशा खुद पर ही भरोसा रखें। इन दिनों के शाम के समय कुछ हंसी खुशी भरा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। रोमांटिक मुलाकात जो है बहुत रोमांचक रहेगी यह समय, लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होंगे। वहीं दोस्तों सही दिशा में ईमानदारी से उठाए गए कदम जो है निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। अगर आप अपनी चीज़ों का जो है इसमें ध्यान रखेंगे तो दोस्तों उनके खोने या फिर चोरी होने की संभावना इसमें नहीं होंगी। दोस्तों यह समय आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें यदि आप अपना मकान दुकान या फिर कोई अन्य प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और वो बिक नहीं रहे हो तो दोस्तों यह समय आपको ये उपायों को करना चाहिए। बाजार में 86 साबुत बादाम छिलके सहित ले लें और सुबह नहा धोकर 2 बादाम लेकर मंदिर जाइए। दोनों बादाम मंदिर में शिवलिंग पर या फिर शिव जी के आगे रख दीजिए। हाथ जोड़कर भगवान से प्रॉपर्टी को बेचने की प्रार्थना कीजिए और उन 2 बादामों में से 1 बादाम वापस ले आइए। दोस्तों आपको बता दें उस बादाम को लेकर घर में कहीं अलग रख दीजिए। ऐसा आपको जो है 43 दिन तक लगातार करना है। रोज़ 2 बादाम लेकर 1 वापस लाना है। 43 दिनों में जो बादाम आपके घर में इकट्ठा किए हैं उन्हें जल में प्रवाह कर दें। इससे दोस्तों आपका मनोरथ अवश्य पूरा होगा।